गाइस वेलकम बैक। सो आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ में एवरीडे मेकअप लुक। मैं अभी इंस्टा रील के लिए तैयार होने जा रही थी, सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से मैं इंस्टा रील के लिए तैयार होती हूँ। सो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको रील्स एंड मेरी जो पिक्चर्स हैं डेली अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। और जिन्होंने अभी तक मुझे YouTube पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज ही फ्लो टोनर, और स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेकअप से पहले। आज मैंने अपना क्लीनअप भी किया था एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में, मतलब फेस वॉश और फेस मास्क, इसमें तीनों चीज़ें, इसका वगैरह भी हमारा चारकोल का था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सारा प्रोडक्ट गुड वाइब्स का ही यूज़ किया था। एंड यहाँ पर हमारा टोनर हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये है हमारी डर्म डॉक की क्रीम और ये स्किन टाइटनिंग क्रीम है। इसमें कौन सी क्रीम मैंने ली है इसमें मेंशन नहीं है कहीं पर भी। बस इतना लिखा है विद हाइड्रोलाइज्ड कोलेज कोलेजन। मॉइस्चराइज हो जाएगा। मैं अभी सीरम नहीं लगा रही हूँ, वैसे मैं सीरम यूज करती हूँ मेकअप में, बट अभी वो दूर रखा है तो उठने का, मैं उठाकर लेके भी नहीं आई। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा, इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर ताकि जो हम फाउंडेशन बीबी क्रीम जो भी लगाए वो अच्छे से सेट हो जाए। मैंने एसक्यू का प्राइमर लगाया है स्टिक कुर्ती का, और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हो, एंड पर्पल पे ऑफर भी चलते रहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी बीबी क्रीम, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है और ये स्पॉट को कवरेज करता है, लाइट मेकअप ग्लो और इंस्टेंट स्पॉट कवरेज है। SPF 30। अच्छे से लगा दीजिए, आप चाहो तो इसमें ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हैंड की हेल्प से ही कर लूँगी, फिंगर टिप्स की हेल्प से। यहाँ पर मैं कोई कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। मुझे पॉन्ड्स बीबी से ज़्यादा ठीक लैक्मे की सीसी क्रीम लगती है, बट इस टाइम भी मेरे पास ख़त्म हो गई है। कवरेज है यहाँ पर, कंसीलर की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कवर हो गया है अच्छे से।
हमारी क्रीम लग गई है क्रीम। उसके बाद हम इसे सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं अगेन पर्पल का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कवरेज आ गया है बीबी क्रीम से ही। तो यहाँ पर हमारा फेस का हो गया। मैं लगा रही आई मेकअप कर रही। यहाँ पर मैबलिन का आईलाइनर, मैबलिन का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। मुझे ना आँख बंद करके हैंगर नहीं लगता मुझसे। तो यहाँ पर हमारा लाइनर लग गया है। इसके बाद मस्कारा, मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। कब से रखा हुआ है लगा लिया है। SQ का काजल यूज कर रही हूँ। डन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी, थोड़ा सा। अच्छा जाता है इसके साथ में।
फाइनल लुक ग्रेट से आप डेली बेसिस पे मेकअप कर सकते हैं, बट मैंने इंस्टा रील के लिए थोड़ा सा ज़्यादा किया, ये ब्लश वगैरह लगाया। नॉर्मली मैं क्रीम भी नहीं लगाती, बीबी क्रीम भी, बट स्किन केयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कभी कुछ नॉर्मल फंक्शन पे भी जा रहे हैं तो इस तरह से बीबी क्रीम से ही मेकअप कर सकते हैं। इतना अच्छा मतलब फ्लॉलेस लुक आया है, और ये भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। बहुत ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, थोड़ा सा बस जैसे आप क्रीम लगाते हैं मैंने वैसे ही लगा ली है। और आप चाहो तो ब्लेंडिंग ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो हम यहीं से एंड करेंगे, और अगेन अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी, रील्स मिलेंगी एंड काफ़ी अच्छे शॉर्ट वीडियो मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।